हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला न्यूजीलैंड वुमेन और अफ्रीका वुमेन का, जो आपको नाइट में थोड़ा मॉर्निंग वाले टाइम पे मैच होता हुआ दिख जाएगा। तो इसकी टीम पूरी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले, कौन कौन से ग्रैंड लीग के अच्छे पिक्स होने वाली है और क्या क्या हो सकता है मैच, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो आपको पता नहीं किसे फॉलो करोगे, 1000 ऑफ सब्सक्राइब चैनल्स आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल, उससे पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स कहते चैनल्स अवेलेबल है तो आपको पता नहीं किसे फॉलो कर रहे हो। अगर आप, मैं आपको उसका लिंक अपने ड्रीम वाले प्रोफाइल का लिंक आपको मैं अपने कमेंट में दे दूंगा, उस पर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। उसका आपका 51 पोस्ट जाके मेरी कुछ 3-4 महीने की ग्रैंड लीग परफॉर्मेंस देख सकते हैं और एक महीने पहले ही मैंने GL विन भी करी है। तो बस ये बताना था और बाकी आते हैं जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके लिए होता है, बाकी आते हैं नए मुद्दे पे। तो मैं आपको एक प्लेयर के बारे में खुल के बताने वाला हूँ और आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आपको एक चीज़ और करनी जरूरी है अभी इस टाइम पे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर। फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए और इसे ज्वाइन कीजिए, 3116 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 3000 से ऊपर हो चुके हैं। फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री स्मॉल लीग की टीम बिल्कुल आपको मिलेगी यहाँ आफ्टर टॉस, और बहुत सारी चीज़ें शेयर होंगी कौन कौन से मैच कवर होने हैं। और ये ऐप का लिंक है जो मैं खेलता हूँ जिसपे स्मॉल लीग ड्रीम इलेवन पे, फिर मैं ग्रैंड लीग खेलता हूँ, आपको पता ही होगा सबको मेरे साथ जो खेलते हैं, ये ऐप माई 511 ऐप खेलता हूँ, उसमें लिंक ये रहा, रेफर कोड ये रहा, डाल देना। आपको सबसे कम एंट्री फीस है जो ड्रीम इलेवन आपसे लेता है 57 से 50 रुपये लेता है, आपसे ये लेता है 51 से 95 रुपये, 550 रुपये की सेविंग्स है। और हर लीग में आपसे कम चार्ज करता है, प्लस 5% बोनस हर लीग में यूज़ होता है, प्लस 11 जो प्लेयर वाली क्लासिक होती है वो जो ड्रीम इलेवन होती है वो भी वहाँ लीग है, प्लस वहाँ पे 5 बॉलर वाली भी खेलने को मिलती है, 5 बैट्समैन वाली को मिलती है, बॉलिंग फैंटेसी बैटिंग फैंटेसी, और इंस्टेंट विड्रॉ देती है आपको 10 सेकंड के अंदर। और अगर आपको नए वेबसाइट पर खेलने डर लगता है, मेरा रेफर कोड डालिए SARVUT50, आपको यहाँ पे 50 रुपये बोनस मिल जाएगा, प्लस आपको डिपॉजिट ऑफर्स मिल जाएंगे, प्लस आपको ऐप में कोई दिक्कत आती है विड्रॉ या ऐप में कोई दिक्कत है मेरे रेफर कोड डालोगे तो मेरी लिस्ट में शो आओगे, जिससे आप मुझे कभी मैसेज करोगे मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा, बाकी से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आते हैं फटाफट मुद्दे में, तो आप देख सकते हो फटाफट ये ली वाला मैच देख सकते हो हमारा, ये इसमें हम ली को लेके जाएंगे क्योंकि ली ओपन कर रही है, भले ही विकेट कीपिंग कर रही है चेट्टी, तो कैचिंग वगैरह के स्टंपिंग के पॉइंट इसको नहीं मिलने वाले। चेट्टी कर रही है विकेट कीपिंग, चेट्टी को आप नहीं जानते हो बताता, त्रिशा चेट्टी अभी भी अच्छी प्लेयर है पर इसका बैटिंग डाउन ऑर्डर नीचे कर रखा है, इसको ऊपर नहीं खिला रहे, पहले ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करती थी बट इसको इस बार इसको बैटिंग में बहुत नीचे खिलाई नहीं रहे, मतलब बैटिंग ही नहीं आ पा रही इसकी, 2 मैच से बैटिंग आई नहीं इसकी, तो इसको अगर ऊपर खिलाएंगे तो कुछ अच्छा कर सकती है ये, और प्लस विकेट कीपिंग कर रहा है तो कैचिंग और स्टंपिंग का पॉइंट दे सकती है। अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो कुछ चांस बनते हैं इसको ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में लेने का। और कैटी मार्टन की बात करें तो पिछले मैच में इसने विकेट कीपिंग की थी, रचल प्रेस्ट को बाहर बैठा दिया गया था, तो इसको ये अच्छी खासी कंसिस्टेंट प्लेयर भी है, आपने बिग बैच में भी देखा होगा, और काफ़ी अच्छी है, T20 ब्लास्ट में शायद खेली थी, ब्लास्ट जो वो वुमेन होता है वहाँ का, इंग्लैंड का, वहाँ भी ये शायद खेली थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, तो ये अच्छी है ऑप्शन, सब अच्छा है। अगर ली फ्लॉप होती है तो ये आपको अच्छा सा पॉइंट दे सकती है, क्योंकि ली एक ऐसी प्लेयर है, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, लाइक सहवाग आएगी मारेगी चले जाएगी, रुक के नहीं खेलती, पर ये बात इसकी खास वो है, 2 मैच में चल गई है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी कंसिस्टेंट है कि 3रे मैच में ही चलेगी, तो ग्रैंड लीग में जरूर मिस कर गया ना, स्मॉल लीग में तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि चल गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, 93% सिलेक्शन है तो देख के। और सेम ड्रीम इलेवन पॉइंट सिस्टम है वो है My 511, ड्रीम इलेवन वाले में जो पॉइंट सिस्टम सेम है वो ड्रीम My 511 ऐप में है, तो फटाफट जाके करना ज्वाइन और कुछ नहीं। और यहाँ पे बात करते हैं, आप खेलो खुद पता चल जाएगा आपको इस ऐप में कितना फायदा है। और यहाँ बात करें पैसे की, बात है पैसा बचाना है, पैसे सिखाना है, यहाँ ये खेलती है राचल प्रिस्ट को, हम राचल प्रिस्ट को ले लेंगे, तो ये टॉस के बाद पता चलेगा कि अब राचल प्रिस्ट खेलती है या कैटी मार्टिन खेलती है। तो अब ये बता दी मैंने, ये विकेट कीपिंग कर नहीं रही, अभी विकेट कीपिंग ये कर रही है, तो जब खिलाई नहीं तो विकेट कीपिंग इसको करवा दो, एक प्लेस एक्स्ट्रा प्लेयर खिला दो, बट ये इनके दिमाग में आ नहीं रहा अभी। चलो कोई नहीं, अब आते हैं ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर बात करो मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट ये दो सोफी डिवाइन, ये मतलब मैं आपको बताता हूँ वुमेन्स में कभी भी अगर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जो जो पावरफुल बैट्स प्लेयरों के नाम ले जाएंगे उसमें सबसे पहले आएगा सोफी डिवाइन, दूसरे नंबर पे है चेल्ट्रियन जो इनकी टीम में ही है, और तीसरे पे लूंगा मैं डेंड्रा डॉटिन जो है वेस्ट इंडीज़ की, ये तीनों बहुत पावरफुल बैट्समैन है, इनकी हिटिंग देखोगे तो मज़ा आता है, ऊपर से एलेक्स हिली भी अच्छी ठीक ठाक कर लेती है, एलिसा हिल ए हिली जो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट कीपर है, तो इसको हम जरूर टीम मिलेंगे, ये कैप्टन वो कहते हैं बॉलिंग भी डालेगी पूरे ओवर प्लस बैटिंग भी करेगी, तो बहुत अच्छे दोनों तरफ से पॉइंट देगी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस होने वाले स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। डैन वैन निकर की बात करें तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पिक है, इसको तो मैं स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों करके जाता हूँ, बट डिवाइन को इसलिए करके आता हूँ कि डिवाइन की बैटिंग आ जाती है, इसकी बैटिंग नहीं आ पा रही है इसकी वजह से इसको कर नहीं पा रहा, बट ये बहुत अच्छी प्लेयर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये प्लेयर, ये बहुत अच्छा खेलती है, हाँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है आपकी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में।
अब लास्ट मैच में क्या था, मैरिजन का मैंने अपने जो ग्रुप में था वो बताया था कि मैरिजन कैप को लो क्योंकि ऐसी क्या गेम चेंज कर दी, कि उसने गेम चेंज करा, चार विकेट लेके चली गई थी झट 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 झट। तो आप बताइए मुझे बहुत अच्छी प्रिपरेशन प्लेयर पर। ओ चलो कोई नहीं, बिल्ली आ गई थी। क्या कहते हैं, ओ मैरिजन कैप की बात करें, मैरिजन कैप की तो मैरिजन कैप मैंने बताया भी था बहुत इंपॉर्टेंट है कैप, अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो अपने इसकी बैटिंग भी, क्योंकि बैटिंग भी बहुत अच्छी करती है ये, 50 रन भी आराम से मार सकती है, ये 70-80 रन भी मार सकती है, तो इसको स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं अगर इनकी बैटिंग पहले होती है तो। स्मॉल सेकेंड इनिंग में भी लेना है क्योंकि बॉलिंग भी कर रही है, बहुत अच्छे पॉइंट दे रही है, दोनों करती है, बहुत अच्छा खेलती है मैरिजन कैप। आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ एक बार फिर इसके बारे में, ये बहुत अच्छी पिक है, अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करती है इसको टीम में आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि ये बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। यहाँ बात करें एक यार बिल्कुल फ्लॉप हो रही है, बट ये एक लौती ऐसी इसकी स्पेशल, इसके हाथ में ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी ने आज तक बनाया नहीं है, एक मैच में जो ODI में आयरलैंड के, आयरलैंड वुमेन के अगेंस्ट इसने 200 रन मारे थे 50-50 मैच में, प्लस उसी मैच में 5 विकेट भी लिए थे। तो एमएलए कैर को आप जानते नहीं हो तो जान लो भाई, बहुत दो मैच फ्लॉप हो रही थे, लोग छोड़ना भूल गए। 16% हो गया इसका, 16% हो गया इसका, तो 16% इसका सिलेक्शन हो चुका है, तो लोग उसको ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लिख के ले लो एमएलए कैर, बस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ बात करें तो मैं नदी नदी क्लब की बात करें तो इसको शायद मौका मिले ना मिले, मुझे लगता है कि शायद तक कल मिल जाए, दो मैच जीत चुकी है अफ्रीका तो क्या पता मौका दे दे। नदी नदी क्लब भी बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इस उनकी लाइन में जो सारे ऑलराउंडर दिख रहे हैं ना A to Z सारी यहाँ तक बहुत अच्छी हैं। सुन लूस क्या है कि थोड़ी बॉलिंग कम करती है बट करती है बॉलिंग, पर बॉलिंग कम करती है पर फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, इसलिए अफ्रीका जब सेकंड बैटिंग करेगी इसको टीम में लेना बन जाता है क्योंकि काप की बैटिंग नहीं आ पाती, अगर काप को विकेट ना मिले तो ये पार्ट टाइम बॉलिंग में विकेट में और बैटिंग में आ जाती है, तो दोनों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आती है। अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसकी जगह मैं सीधे सीधे मैरिजन कैप को ले लूँगा। तो यहाँ पे ये बात है, और यहाँ पे बात करें अन्ना पैटरसन की बात करें, अगर आपने वो वुमेन का सुपर स्मैश फॉलो करा होगा तो ये हमारी हर मैच में कैप्टन होती थी, प्लस बॉलिंग प्लस कैप्टन, वो क्या बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देके आती थी तो हमारी कैप्टन होती थी, इतनी इंपॉर्टेंट अच्छी प्लेयर है। बट ये थोड़ा इंटरनेशनल मैच आता है तो अच्छे अच्छे प्लेयर ऊपर आते हैं, तो ये भी अच्छी प्लेयर है बट इसका इतना नंबर दो मैच में खिलाया नहीं से, बट एक ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करने अगर ये खेलती है तो। सुन लो उसकी बात करें, बता दिया पार्ट टाइम 4-5 ओवर डालेगी और कभी कभार ज़्यादा भी डाल देती है, बट बैटिंग फर्स्ट डाउन करने आ रही है इसलिए इसको स्मॉल लीग में लेना पड़ रहा है जब अफ्रीका पहले बैटिंग सेकंड बैटिंग कर रही है। तो नदी ने जिगर को दो में से एक मैच भी नहीं खिलाया, इसको भी ले सकते हो इसने, अगर इंडिया में अगर आपने फॉलो करो जब इंडिया आई थी अफ्रीका भी T20 मैच खेलने या वनडे मैच खेलने, उसमें हर मैच में एक या दो विकेट लेके जाती थी नदी ने जिगर, प्लस बैटिंग में 10-15 रन भी 15-20 रन भी करके जाती थी, दो अच्छे पॉइंट देके जाती थी हमें। तो मैंने बता दिया हर प्लेयर के बारे में, एमएलए कर के बारे में, डिवाइन के बारे में, स्मॉल लीग में हमें ये काप को लेते अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, तो पर ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना भाई, लिख के ले लो, सुन लो इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रही है। तो यहाँ बात करें, जब भी आप टीम बनाओ ना अफ्रीका वाली तो इसमें हमेशा इतने सारे ऑलराउंडर, इसमें 4 ऑलराउंडर लेके ही जाना। तो यहाँ बात करें शबनम इस्माइल की बात करें, शबनम इस्माइल एक बहुत अच्छी बॉलर है, पिछले मैच में इसने 8 ओवर डाले सिर्फ 10 रन दिए, भले ही विकेट ना मिली हो, बट अगर इसने इकॉनमी डाली तो इसी का फायदा अगले बॉलर्स को मिला, वहाँ विकेट मिल गए। तो इनकी टीम के जो स्ट्राइक मेन बॉलर है वो ये है, बट विकेट इनको मिल रहे हैं साथ वाले खाक और क्लास को। तो स्मॉल लीग में लोगों ने लेना भी छोड़ दिया, पर ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना शबनम इस्माइल, रिमेंबर द नेम। यहाँ बात करें लेह कस्पर की, ऑलराउंडर है, अब बात ऐसी हो गई कि ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, अब ये है कि इसको पिछले जो मौका मिला परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, अगर अगर डोमेस्टिक उठा के देखोगे तो ये अफ्रीका जो न्यूजीलैंड की सारी प्लेयर है ना, इसको उठा लो, हैली जेंसन को उठा लो, हिडलस्टन को उठा लो, ये सारी, ये इसको उठा लो, सारी बैटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, मायर तक बैटिंग कर लेती है अच्छी। तो वही है ना कि इंटरनेशनल आता है पर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, पर ये जो इसका डोमेस्टिक उठा के देखो सारे ने बहुत, सब ने खाते 50-50 रन भी मारे हुए हैं, बॉलर तो है ही। और बताता हूँ क्या करके, और यहाँ पे बात करें शबनम कैस्पर की, मैंने बता दी आपको बात, और यहाँ पे बात करें खाका की, हाँ कैस्पर बैटिंग भी अच्छे कर लेते हैं, पर स्पिनर है तो बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, 4-4 विकेट कई बार निकाला है इंटरनेशनल में भी, याद रखना इस बात को भी, सरप्राइज कर सकती है आपको ग्रैंड लीग में। यहाँ बात करें आयबोंगा खाका के, दोनों मैच में उसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, 2-2, 3-3 विकेट लेके जा रही है, तो बहुत अच्छे विकेट लेके जा रही है आयबोंगा खाका, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में रख सकते हो इस प्लेयर को, बहुत अच्छी प्लेयर है ये आयबोंगा खाका। यहाँ बात करें हैली जेंसन की, तो अगर आपने सुपर स्मैश फॉलो करा होगा सही से, हैली जेंसन के बारे में नहीं पता, ये ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बैटिंग कर लेती है प्लस बॉलिंग कर लेती है, तब भी इसके थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट भी दिख रहे हैं, तो इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों की बहुत अच्छी पिक है हैली जेंसन। और हुडलस्टन की बात करें तो ये सुपर स्मैश में ओपनिंग करते हुए दिखा होगा अपने कई मैच में, और प्लस बॉलिंग करती है, बट इसको स्मॉल लीग में ट्राई मत करना, चाहो तो ग्रैंड लीग में बहुत रिस्की जो टीम बनाना चाहो उसमें कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा नहीं अभी, इतना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। जे कैर की बात करें तो अभी सुपर स्मैश अपने सही से फॉलो करा हो तो उससे पहले ही फॉलो कराओ, तो क्या कहते हैं दोनों बहनों का काम था, ए कैर और ये जे कैर, दोनों बहन
में से एक काम था, हर मैच में या तो ये 4 विकेट निकालती या तो वो 4 विकेट निकालती, या तो ये रन मारती है वो रन मारती, दोनों ही बहनें बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, अमेलिया केर और जेस केर। तो इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में जरूर टीम में लेना। पिछले मैच में हमने इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में भी लिया, इनकी डिफेंस सिर्फ 2 विकेट लिया, एक डिवाइन ने लिया, किसने लिया, तो ग्रैंड लीग की टीम में भी आपको दिखी होगी, मैंने उसको लिया भी था। तो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग के पॉइंट से, ऑब्वियस से बात करें मसाबता क्लास की, मसाबता क्लास एक बहुत अच्छी प्लेयर है, बट इसको विकेट मिल रहे हैं क्योंकि अब न्यूजीलैंड वाले अच्छे नहीं खेल पा रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड वाले, मेरे को सरप्राइज हो रहा है कि न्यूजीलैंड वाले बहुत वीक खेल रहे हैं, बहुत अच्छी प्लेयर है न्यूजीलैंड वाले बट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको लेना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल लीग में, क्योंकि अब उनकी टीम थोड़ी कमजोर खेल रही है, तो इसको विकेट मिल जाएंगे, तो हमें विकेट से मतलब स्मॉल लीग में, पर ग्रैंड लीग में आप छोड़ के जा सकते हो या आप इनकी टीम से ले सकते हो न्यूजीलैंड की टीम से। यहाँ पर करें टोमी सिकुन्ने के, क्या पता इसको मौका मिल जाए, ये भी बहुत अच्छी बॉलर है, ये भी विकेट लेके काफ़ी टाइम इसको मैंने देखा, विकेट टेकर बॉलर है ये टोमी सिकुन्ने, ट्यूमी सेक खुन्ने, हाँ ठीक है बता दें मैंने इसको। ग्रैंड लीग में अगर खेलते हो कर सकते हो, स्मॉल लीग में मत करना अभी। रोजी मेरी मायर को करना है तो रिस्की वाली ग्रैंड लीग में करना चाहे तो कर सकते हो, कर खेलते हैं, मुझे लगता नहीं तो कितना मौका मिलेगा क्योंकि ये 2 मैच हार गई है, तो शायद ऊपर वालों को परफॉर्म का मौका दोबारा मिलेगा। और ये कैल एन मलाबा, इसको मैंने इतना इंपॉर्टेंट मत रखना है, इसको इतना इग्नोर करके चलना, मैंने बताया सारे बॉलर के बारे में एक करके, ऑलराउंडर बता दिया। अब आते हैं बैट्समैन के, सूजी बैट्स बैट्समैन दे रखी है, पर ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। इसने पहले मैच में एक विकेट भी निकाला, आपको पता होगा कि ये सूजी बैट बहुत बड़ा नाम है न्यूजीलैंड की टीम में, इंटरनेशनल में वुमेन्स की, तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो आप ग्रैंड लीग में। और स्मॉल लीग में तो इतना बोलूंगा नहीं क्योंकि बॉलिंग में इसका कन्फर्मेशन नहीं है, कभी मैच में कर लेती है कभी नहीं कर रही, पहले कंटिन्यूस करा करती थी बट अभी इसने थोड़ा कम कर दिया बॉलिंग करना, बैटिंग में ज़्यादा फोकस हो गया इसका, तो इसलिए ओपन वगैरह भी आती है। और यहाँ बात करें कि मैच ऊपर आते कभी ऊपर नीचे हो जाती है इसका कोई, लॉरा वॉलबर्ट की बात करें पहले मैच में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, बट मैं लास्ट मैच में बोला था कि इसको इससे बढ़िया बैट्समैन है मैं म्यूगरन डिप्रीज, तो उसको मैंने डिप्रीज को लिया था, इसको छोड़ा था क्रेडिट की वजह से भी छोड़ा था, तो इसकी 0 आउट हो गई थी, पर ये बहुत अच्छी ऑलराउंडर प्लेयर है, मतलब प्लेयर है ये लॉरा वॉलबर्ट, ओपन कर रही है तो पॉइंट देके जाएगी। अगर अफ्रीका सेकंड बैटिंग करता टीम में लेना बन जाता क्योंकि ओपनिंग की टीम अच्छा नहीं कर पा रही न्यूजीलैंड की, अगर कम स्कोर बनता है इसकी बैटिंग आएगी तो नीचे वालों की बैटिंग नहीं हो पाएगी। अब मिगनन लॉरा वॉलबर्ट को जो ले सकते हैं, ये थोड़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है, अच्छा खेलती है, जब इंडिया आई होगी तो इंडिया पिचेस पर इतना बहुत अच्छा खेला, तभी आपने देखा होगा जब इंडिया आई थी अफ्रीका, तो जब इंडिया की पिच पर कोई इतना अच्छा खेल सकता तो बहुत अच्छी प्लेयर है वो लॉरा वॉलबर्ट, बहुत अच्छा खेलती है, कंसिस्टेंट है, घर में रन मारती मारती है, कुछ ना कुछ करके जाती है, अब एक आधा मैच में फ्लॉप हो जाता है। बात करें मेगन डुप्रेस की, इनकी टीम की सबसे बढ़िया बैट्समैन है वो डैन वैन निकर्क है, और ये है, ये क्लास बैट्समैन है, बहुत अच्छी, मतलब तेज भी खेलती है, ए बी डिविलियर्स को देखा है, मतलब उसकी कॉपी है ये, मतलब डिविलियर्स के आज तक का रिकॉर्ड है, उसने कभी सेंचुरी 100 से ऊपर बॉलों पर मारी नहीं है, तो इसका भी ऐसे ही है, अगर तेज रन मारती है और ऊपर से कम बॉलों पर मारती है और कंसिस्टेंट रन मारती है, तो इसको अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करते टीम में जरूर रख लेना है। चेल ट्रेन की बात करें, मैंने बताया कि ये सबसे पावर हिटर है जो वुमेन में मानी जाती है, ये चेल ट्रेन हो गई, डिवाइन हो गई और डेंड्रा डॉटिन हो गई, और एक एलिसा हिल को थोड़ा बहुत रख सकते हो, पर इतना नहीं है। ये बॉलिंग भी आपको करते दिख जाएगी, 4 से 5, 6 ओवर आपको वो बॉलिंग में पॉइंट दे जाएगी विकेट वगैरह लेके, प्लस बैटिंग में ये ऐसी प्लेयर है 15 बॉल में 50 से 20 बॉल में 50 रन भी मार सकती है, इतनी पावरफुल बैट्समैन है ये चलो ट्रॉइन, तो इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में रख सकते हो अपनी टीम में। अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करते हैं उसको तो जरूर स्मॉल लीग में रख लेना अपनी टीम में, याद रखना इस बात को। यहाँ बात करें बेजिन हॉट, तो जो ये भी है ये विकेट, वैसे विकेट कीपिंग करती है ये, अगर अपने सुपर एच में फॉलो करो तो विकेट कीपर करती है, पर स्मॉल लीग में बिल्कुल ट्राई मत करना, ना मैं ग्रैंड लीग में इसको करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंस लग नहीं रही। अगर यहाँ से कैटी मार्टिन अगर विकेट कीपर ना ही, हमें वो विकेट कीपिंग में कैच स्टंपिंग पॉइंट देखी जाएगी। मैडिगन को कर सकते हो, अगर आपने इसको देखा होगा कि बिग बैश वगैरह में तो इसने काफ़ी कंसिस्टेंट रन मारती थी ये मैडिग्रीन, तो इसको अपनी टीम में रख सकते हो, शायद उसका उसकी तरफ से खेलती थी ये वुमेन में, जो हवा हरिकेन जो ग्रीन ग्रीन वाली वो ब्लू वाली हवा हरिकेन्स ही है वो, शायद हरिकेन्स नहीं है वो, ब्रिस्बेन हीट्स से खेलती थी, जिसमें जेस जॉनसन और वो सैमी जो जॉनसन वगैरह थी ये बेथ मुनी, तो इसको इस ग्रैंड लीग में भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, तो बाकी 4 ऑलराउंडर के साथ ही जाना इसको। और कैटी पर्किन की बात करो तो इसने पूरे वुमेन सुपर स्मैश में ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई हुई थी, हर मैच में 50 रन 40 रन 50 रन 40 रन, पिछले मैच में पहले मैच में इसने 60+ रन मारे थे और पिछले मैच में 0 पे आउट हुई, कैसे रन आउट हो गई थी, बट कंसिस्टेंट प्लेयर है, इसको स्मॉल लीग में जरूर लेके जाना, इसलिए सिलेक्शन रेट भी है। एन संग ऐसे को इतना इंपॉर्टेंट देना इतना टीम में रखूंगा नहीं मैं। लॉरेंट डाउन की बात करें, ये भी बहुत क्लास प्लेयर है, बट अब सारे प्लेयर को ले नहीं सकते तो इसको थोड़ा इग्नोर करके चलना। ग्रैंड लीग में बहुत रिस्की, चाहो तो टीम में ले सकते हो, बट मैं स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी इतना प्रेफर नहीं करूँगा, तो मैं फिर टीम बना के दिखाता हूँ। एक ये यहाँ पे मैं चाहूँगा 4 प्लेयर आपको मैंने बता दिए, ये बेट्स स्माइल को हम थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, बट मन बहुत लेने का क्रेडिट की दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे चाहो तो इसको कर सकते हो,
मैगनन मैगनन ले लो यहाँ भाई, दिक्कत आई भाई। मैगनन के चार्लर ट्रॉयन ले लो, वो बॉलिंग से ही पॉइंट देके जाएगी। यहाँ पे आप कैर ले लो या हेली जेंसन ले लो, ऐसा कर लो। तो आपके फिलहाल हमारी टीम ये रहने वाली है। तो ग्रैंडलिंग में आपके लिए ये इसको थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा कम करूँगा ग्रैंडलिंग में, पर कर सकते हो। बट बाकी ये हमारी बहुत अच्छी चॉइसेस हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑलराउंडर्स में। यहाँ ये भी अच्छी है, बस यहाँ चाहो तो इसको भी कर सकते हो, बहुत रिस्की वाली टीम में। तो ऐसा होता है। और कैप्टन मैं करके जाऊँगा यहाँ पे डिवाइन को, और वाइस कैप्टन करके जाऊँगा मैं नेक को। तो मेरी टेम्प्रेरी टीम ये होगी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आफ्टर टॉस रात को रेडी रहना। और मैं जो इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं FF11 पे करूँगा। मेरे साथ करोगे तो जीतोगे, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा फॉलो करोगे तो आप 100% जीतोगे। जहाँ मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने अपना लॉस कवर भी करा मेरे साथ रह रह के। बाकी भाई 5-10% लक भी मैटर करता है कि आपको अपोनेंट कैसा मिलता है। बाकी हमें तो बहुत MFL11 बहुत अच्छा है अपोनेंट मिलता है, क्योंकि फैंटेसी है भाई। हर कोई न्यूज़ क्लब आके पैसे जीतने आया है, और लाइफ में पैसा कमाना तो कहीं भी ईजी नहीं है यार। सही से फॉलो करो, सीखोगे तभी जीतोगे। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, शेयर करना चाहो दोस्तों का शेयर कर सकते हो। अगर नए चैनल पर नए नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाकी कुछ नहीं दोस्तों, बाकी मिलते हैं नई वीडियो का। जय हिंद दोस्तों।